बच्चों मेरा नाम पूजा तिवारी है और आज मैं आप लोगों को नागिन सास पढ़ाऊंगी। खरीदने के लिए हम दुकानों पर बाजारों में जाते हैं। और दुकान हमारे आसपास के बाजारों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों आज हम आपको हमारे आसपास के बाजारों के विषय में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। हमारे आसपास के बाजार खरीदार कहते हैं, जो सामान खरीदता है उसे खरीदार कहते हैं। ठीक है, बाजार से आप क्या समझते हैं? मैम जहाँ पर लोग जाकर सामान खरीदते हैं, कुछ लोग सामान बेचते हैं, तो मैम वो जो स्थान होता है उसको बाजार कहते हैं। वेरी गुड, बाजार किसे कहते हैं? जहाँ क्रय और विक्रय वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वो उसको क्या बोलते हैं? बाजार बोलते हैं। और बाजार में सभी प्रकार की वो बाजार में सभी वस्तुएं मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, और बाजार से हम क्या क्या लाते हैं? बाजार से सब्जी, कपड़ा, बुटी, कॉपी, पेंसिल आदि। बाजार कितने प्रकार के होते हैं मैं बताती हूँ। बाजार क्या है? मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? साप्ताहिक बाजार। दूसरा होता है मोहल्ले या कॉलोनी की दुकानें होती हैं। और तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो साप्ताहिक बाजार होती है वो क्या है? सुबह के टाइम वो हफ्ते में एक दिन लगती है वो बाजार। और सुबह के टाइम जो है वो दुकान वाले अपना दुकान लगाते हैं और शाम को वो अपनी दुकान उठा लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? उसके बाद होता है मोहल्ले की दुकान। से आप क्या समझते हैं मोहल्ले से क्या कहलाते हैं? मैम जो हमारे घर के आसपास दुकानें होती हैं मैम उनको हम मोहल्ले की दुकान कहते हैं। मोहल्ले की दुकान और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है? ठीक है, हम बताते हैं आपको। मोहल्ले की दुकानों में क्या होता है? वहां से हम जैसे हमें छोटे मोटे सामान लाने हैं, जैसे डेली दूध लाना है या हमारे घर में मसाले खत्म हो गए, मसाले लेने हैं या बिस्किट, नमकीन और तेल वगैरह कुछ भी लेना है, वो छोटे मोटे सामान जो भी है वो हमें कॉलोनी की मोहल्ले की दुकान से मिल जाता है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? वहां पर हमको हम जाते हैं तो जैसे हमें स्टेशनरी की सामान लेना है, स्टेशनरी का किसी फोटो कॉपी करानी है या कुछ भी कराने हैं, तो क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कई दुकानें होती हैं। और मोहल्ले में क्या होता है कि एक ही दुकान, आप जाएंगे मोहल्ले में एक दुकान या दो दुकानें दिखती है, हर मोहल्ले में ऐसी होती है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कई दुकानें होती हैं और वहां आप अपने जाने के बाद आप कई काम कर सकते हैं जिसकी भी जरूरत हो आपको। ठीक है बच्चों, बच्चों आप दुकान कॉम्प्लेक्स से क्या लाते हैं? मतलब कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, क्या लाते हैं? मैम वहां से हम कपड़े लाते हैं, कॉस्मेटिक सामान लाते हैं, मैम बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लाते हैं। सब्जी वब्जी भी आजकल बिकने लगी है मॉलों में। और जो माल होता है वो किसानों तक कैसे पहुंचता है? किसान जो माल अपना करते हैं वो मतलब उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है हम बताते हैं आपको। किसान जो है क्या है? बच्चों
मतलब जैसे हमारे लिए किसी भी चीज की जरूरत है, हमारे लिए अनाज वगैरह है, कोई सामान है, कपड़े वगैरह, सबकी बुनाई और गेहूँ और फसल की पैदावार ये सब किसान करते हैं। तो किसानों से क्या होता है, जो थोक विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, किसानों से सामान लेते हैं, उसके बाद किसानों से वो लेते हैं, और जो थोक मार्केट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फुटकर लोगों को देते हैं, और जो फुटकर से फिर क्या होता है, वो उपभोक्ता लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप जैसे क्या होता है, जो किसान से क्या होता है, थोक व्यापारी जो होते हैं वो पहले सामान लेते हैं, वहां वो थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी सामान लेते हैं, और फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता सामान लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि हमारे बाजार का प्रोसेस ऐसे चलता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रही हूँ, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। बाजार किसे कहते हैं? मैम वह स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता मिलते हैं और सामान खरीदते और बेचते हैं, उसे बाजार कहते हैं। जहाँ पर क्रय और विक्रय होता है व्यापारी से। हाँ, फुटकर विक्रेता क्या है, थोक व्यापारी से सामान लेते हैं। छोटी छोटी फुटकर दुकानें होती है, छोटी छोटी मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें होती है।